अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और वेलकम हो गया है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है सैटरडे और आज है छुट्टी का दिन, बट वसीम चले गए हैं ट्रेनिंग पे। उनकी आज ट्रेनिंग थी और जुजू को जाना था अपने दादी के घर पे, तो जुजू भी चला गया है उन्हीं के साथ अपने दादी के घर पे। तो मेरे लिए ये काफ़ी फ्री डे है आज, मेरे लिए कुछ ही काम नहीं है, दोनों चले गए। तो मैंने सोचा कि आज ये फ्री डे को मी डे बनाती हूँ और इस जो मुझे फ्री टाइम मिला है इसे मैं फुल एडवांटेज उठाती हूँ और अपने लिए कुछ करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सोचा है कि मैं अपने बालों में अच्छी तरीके से ऑयलिंग करूँगी। काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने अपने बालों में ऑयल नहीं लगाया, या जिस तरीके से मुझे लगाना है मैंने उस तरीके से नहीं लगाया। तो आज मैं अपने तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी और फिर मास्क लगाऊंगी अपने बालों में, थोड़ा बहुत स्किन केयर करूंगी और चलो फिर देखते हैं आज मैं क्या क्या करूंगी और जो जो मैं करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर ट्राई करते हैं मेरे नुस्खे। तो ये वाला जो ऑयलिंग का मेथड है ये मैं बहुत साल से इस्तेमाल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेथड बहुत अच्छा है। और जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सिंगल ऑयल से नहीं करती, मेरे चार पांच ऑयल मिक्स किए हैं, चार चार ऑयल मिक्स किए हैं। तो सबसे पहले तो ये है बॉटल कैस्टर ऑयल की, ये पूरा कैस्टर ऑयल नहीं है, ये जो है ये थोड़ा बहुत कैस्टर ऑयल है, इसमें पैराशूट का ऑयल मिला हुआ है, कोकोनट ऑयल, बट आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो कोकोनट का मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोल्ड प्रेस जो मिलता है। और उसमें आप आलमंड ऑयल डाल, मतलब उसमें आप आलमंड ऑयल मिक्स करना और विटामिन ई की जो कैप्सूल्स होती है वो आप इस्तेमाल करना, डालना मतलब। और ये चारों चीज़ों को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करना होता है। एक बड़ा ढक्कन पैराशूट ऑयल का लिया है तो उससे आधा कैस्टर ऑयल होगा, उससे आधा आलमंड ऑयल होगा और 2 से 3 कैप्सूल आपके विटामिन ई के होंगे कैप्सूल्स। तो ये पर्टिकुलर ऑयल मैं बना के रख देती हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने पूरी बॉटल बना के रख देती जो कि अभी ख़त्म होने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा ही ऑयल बचा है, ये मुझे और 4 एप्लीकेशन होंगे मेरे बालों में इतने ऑयल के, या हो सकता है 3 ही हो, देखते हैं कितने एप्लीकेशन होते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑयल है और ये ऑयल को मैंने ये एक कटोरी में निकालना है और मुझे ये एक छोटा सा कॉटन का पीस लगेगा। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि मैं ऑयलिंग किस तरीके से करती हूँ। तो मैंने जो ये ऑयल है इसको ये कटोरी में निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए, देखिए देख सकते हो मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे, बालों को अच्छी तरीके से कोम कर लेंगे हम लोग, कोई भी नॉट्स नहीं रहना चाहिए बालों में क्योंकि फिर वो नॉट्स होते हैं ना तो टैंगल होते हैं बाल, और ऑयलिंग करने के बाद आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसीलिए आप अपने बालों को टैंगल फ्री पहले कर ले। और जब आप ऑयलिंग करते हो और उसके बाद हेयर मास्क लगाते हो ना, जो घर का मास्क होता है, तो उससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं पहले ना अपने बालों का मिडल पार्टीशन करूँगी और ये मिडल पार्टीशन में मैंने ये कॉटन को इस ऑयल में ऐसे डिप करूंगी और पूरा ये जो पार्टीशन है इसमें मैं ये रूट्स में एप्लीकेशन करूंगी ऑयल का, ताकि मेरे हर बालों के एंड्स में ऑयल लगे। जिस तरीके से आप बाल कलर करते हो ना उस तरीके से आपको बालों की ऑयलिंग करनी है। मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, अब धीरे 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 काट काट कर मैंने इतने छोटे कर दिए, क्योंकि अब ना एक बेबी के साथ अपने बाल मैनेज करना और उतनी केयर ले पाना होता नहीं है, छोटे बाल ही मुझे सही लगते हैं अभी इस एज में।
और ना बड़े बालों की ये दिक्कत होती है कि आपको उसको मेंटेन करना होता है, और आपको ना कहीं बाहर जाओ तो हेयर स्टाइल भी करना होता है। छोटे वाले तो आप सीधे सीधे खुले भी रख लो तो चलता है। तो इस तरीके से मैं अपने बालों की ऑयलिंग करती हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा। इससे ना आपके रूट्स एकदम नरिश्ड हो जाते हैं और फिर हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह थोड़ा सा वॉर्म करेंगे और इसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। रूट्स में लगाएंगे। कैस्टर ऑयल बहुत चिकना होता है, बहुत एकदम गाढ़ा तेल होता है, तो इसीलिए उसको एकदम से नहीं लगा सकते, और बहुत गर्म तेल भी होता है वो। तो कैस्टर ऑयल जिनको सूट नहीं करता तो कैस्टर ऑयल ना डाले, सिर्फ पैराशूट या और आलमंड ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल डाले। लेकिन बोलते हैं ऐसा कि कैस्टर ऑयल से जिनके आईब्रोज नहीं होते हैं ना, अगर वो डेली कैस्टर ऑयल लगाए आईब्रोज के ऊपर रोज रात में सोने के टाइम पे, तो उनके बाल आ जाते हैं आईब्रोज में, मतलब आईब्रोज बढ़ जाती है उनकी। दिस आर द होम रेमेडीज विच वी हाउस वाइफ डू ऑन रेगुलर बेसिस। अब हमारे पास रोज रोज पार्लर में जाके पैम्परिंग कराने के लिए तो टाइम नहीं होता, तो हम घरेलू नुस्खों से ही काम चलाते। तो इस तरीके से मैंने ऑयलिंग कर ली है। तो अभी मैं हेयर मास्क बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे लगेगा 2 से 2.5 चम्मच दही, और ये केला मैं इसे खोल के इसमें डाल देती हूँ। मैंने इसमें केला ऐड कर दिया है। अब इसको हम लोग तो ये मेरा ब्लेंड रेडी है। चलिए इसे मैं बाल पे लगाती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मस्त है एकदम गाढ़ी। तो चलिए फिर इसे लगाते हैं अपने बालों में। जो योगर्ट है ना, वो अपने बालों में अपने बालों को प्रोटीन देगा, और बनाना जो मैंने यूज़ किया है इसमें, ये अपने बालों में शाइन लाएगा। तो ये वाला हेयर मास्क आप वीक में वंस या ट्वाइस लगा सकते हो, अपने ऊपर है, जैसे अपने को टाइम मिल रहा है। जितना लगाओगे उतना फायदा ही होगा गाइस, केमिकल लगाने से तो अच्छा है। आप घरेलू चीज इस्तेमाल करो, अगर आपके पास टाइम है तो, वरना शॉर्टकट्स तो है ही, जैसे केराटिन करा लो, स्मूदनिंग करा लो, फिर वो क्या होता है आजकल निकला है बुटॉक्स, बुटॉक्स करवा लो। ये बहुत मैसी होता है करना, मास्क लगाना, इसीलिए मैंने जमीन पोछने से पहले ही ये किया है।
तो है। मास्क लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में थोड़े बहुत काम करने के लिए। तो मैंने ना स्टार्टिंग अपनी बर्तन धोने से की, और बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, सिर्फ नाश्ते के ही बर्तन थे। तो मैंने उस दिन ना नाश्ते में बनाया था चीला डोसा। तो ये मतलब बहुत इजी रेसिपी है, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। डोसे के बैटर से ही बनती है, बट वो चीले जैसा होता है। और ना मैंने पूरे बर्तन ना क्या करती हूँ, पहले खंगाल लेती हूँ और उसका पूरा कचरा निकालती हूँ और उसको डस्टबिन में फेंकती हूँ, और फिर बाद में मैं बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ना मैं पहले क्या करती थी, ऐसे ही सारे बर्तन धोने स्टार्ट कर देती थी ना, तो पूरा ना बेसिन क्लॉग हो जाता था और पूरा पानी भर जाता था बेसिन में, और फिर वो पानी को निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो हम लोग ने ना वो बेसिन का जो नीचे का बोल होता है ना, वो चेंज किया। उसके बाद से ना मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए। तो मैंने पूरे बर्तन ना पहले पानी से अच्छे से खंगाल लिए, और अब ना मैंने बेसिन को भी धो दिया, और अब सारे मैं बर्तन है ना वो घस घस कर बेसिन में ही डालूँगी, और उसको ना अच्छे से मैं क्लीन पहले ही कर चुकी हूँ। तो अभी सिर्फ मुझे साबुन से उसको क्लीन करना है। तो मैं ना पूरे बर्तन जितने भी है ना वो अच्छे से मैंने धो के घस के बेसिन में ही डाल दिया, और अब ना मैं ये पूरे बर्तन को पानी से खंगाल के मेरी जो बास्केट है उसमें मैं रख रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे पीछे क्यों रख रही हूँ, मैं अपनी बास्केट ना अपने पीछे रखती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर मैंने ये बास्केट रखा है, और नीचे ना वाटर अब्जॉर्ब करने वाला कपड़ा है, तो वो वाटर लीकेज नहीं होता मशीन के ऊपर। तो मैंने इस तरीके से अपना पूरा बर्तन धो धा के क्लीन कर लिया, मैंने पूरा किचन भी क्लीन कर लिया। उसके बाद ना मैंने बॉटल भरने के थे, बॉटल पूरी खाली हो चुकी थी। तो बॉटल भरना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, मुझे बहुत कंटाला आता है बॉटल भरने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे सही में पसंद नहीं आता, लेकिन भरना तो है ही। तो मैंने ना बॉटल को सब घस दिया अच्छे से, उसके बाद ना ये ब्रश से मैं उसको बॉटल के अंदर डाल के उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि कोई भी पानी का रेसिड्यू उसमें ना रहे, न तो फिर वो जमा हुआ दिखता है बॉटल में से। और इस तरीके से मैंने पूरे बॉटल भर के फ्रिज में अच्छी तरीके से जमा दी, और फिर बाद में ना मैंने अपना पूरा किचन क्लीन किया। किचन ना मुझे एकदम अच्छे से धोना पसंद है पानी के साथ, क्योंकि वो जो अपन सिर्फ पोंछ के लेते हैं ना वो मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। जब तक मैं किचन को अच्छी तरीके से घस के साबुन से पानी डाल के धोऊं नहीं ना, मुझे सुकून नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है किचन साफ़ ही नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी अगर घाई होती है, कुछ जल्दी करना होता है, तो मैं ऐसे हल्के हाथ से कपड़े से पोंछ के ले लेती हूँ अपना किचन, बट मोस्टली तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं उसको ना अच्छे से क्लीन करूँ। क्योंकि इतना सारा खाना बनाते, ऑयली फूड बनाते, तो वो उसके सारे स्टेन्स ना किचन पे रहते, तो वो अच्छे नहीं लगते, और वो पोछने से भी नहीं जाते, ऑयली ऑयली ही फीलिंग आती है। आप जब अच्छे से घसते हो ना, तो एकदम आपका किचन क्लीन लगता है, प्रॉपरली शाइन करता है। और ज़्यादातर तो मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये रिचुअल है ही, कि हम लोग ऐसे ही क्लीन करते हैं, पानी डाल के किचन को धोते हैं। और ना ये मेरे किचन पे ना स्टॉपर नहीं है, तो मुझे ना जब पानी डालती हूँ तो संभाल के डालना पड़ता है, ना तो किचन धोते धोते ज़मीन भी धुल जाएगी, पूरा पानी नीचे आ जाएगा। तो मेरा वाइपर ना साथ में ही रखती हूँ, और जब किचन मेरा धुल जाता है ना, उसके बाद मैं एक गीले कपड़े से पोंछ के भी ले लेती हूँ, ताकि पानी पानी ना लगे किचन में, और मेरा किचन रेडी टू कुक फूड वापस से हो जाए। तो मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर दिया, अपना मैं ये गैस के जो बर्तन है उसे लगा रही हूँ, और मैंने पूरा अपना किचन क्लीन करके एकदम साफ करके रख दिया, और मेरा किचन माशाल्लाह से बहुत क्लीन, नीट एंड टाइडी लग रहा है। और आज तो मुझे कुछ बनाना भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा जब तक सहल और वसीम वापस घर नहीं आ जाते। तो देख सकते हो आप, मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और फिर ना मैंने स्टार्ट किया फेस मास्क बनाने के लिए। अभी मुझे ज़मीन पोछना बाकी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ेस मास्क लगा लेती हूँ, तो 10 मिनट में मेरी ज़मीन भी पोछना हो जाएगा और फ़ेस मास्क भी मेरा सूख जाएगा। तो मैं फ़ेस मास्क में ना मैंने बेसन लिया है, उसमें ना मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, फिर ना ये एलोवेरा जेल है पतंजलि का, ये बहुत अच्छा जेल है, ये बहुत मस्त जेल है, मैं रेकमेंड करूँगी इसे आपको यूज़ करने के लिए। तो ये ना थोड़ा सा ही बचा था, तो वो निकल रहा नहीं था, और जब मैं उसको पुश कर रही थी ना, तो वो पूरा आटा ही उसने बाहर फेंक दिया हवा के प्रेशर से। फिर मैंने उसको ना काट दिया, आर ओल्ड इंडियन टेक्निक, और फिर मैंने उसका ना बचा हुआ निकाला और उसको उसमें डाला,
और फिर बाद में ना उसमें हनी डाला थोड़ा सा, और ये विटामिन ई की कैप्सूल है ना वो भी मैंने डाली, और फिर बाद में ना ये विटामिन ई का कैप्सूल डाल के थोड़ा सा नींबू डाला है इसमें, और नींबू थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा मत डालना, और फिर इसको मिक्स कर दिया। और ये जो मेरा फेस पैक है ये रेडी हो गया लगाने के लिए, और मैंने ना ये फेस पैक बनाते बनाते बहुत मेस कर दिया था, तो मैंने ना इसको फिर अच्छे से क्लीन करके पोंछ के ले लिया। ये वाइपर ना बहुत अच्छा है रिफ्लेक्ट का, आप यूज़ करके देखना। तो ये मैं आ गई हूँ मैं फेस मास्क लगाने के लिए। इसको ना मैंने अच्छी तरीके से अपने मुंह पे अप्लाई कर लिया, आप चाहिए तो इसको फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है और बहुत इफ़ेक्टिव फेस मास्क है, आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप कर देता है, निखार देता है आपकी स्किन को। मैं ये फेस मास्क अपने स्किन को रिजुविनेट करने के लिए लगाती हूँ, और इससे सही में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन पे। हफ्ते में 2 बार इसे लगाना चाहिए। इसमें जो बेसन होता है वो स्किन टाइटनिंग का काम करता है, और हल्दी होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, और फिर बाद में जो इसमें लेमन होता है सिट्रिक एसिड होता है, ये आपको ना आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है। विटामिन ई आपकी स्किन को रिपेयर करती है, और एलोवेरा जेल जो मैंने इसमें डाला है ना ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है, स्मूदन करता है, मतलब ठंडक देता है आपकी स्किन को। और फिर बाद में मैंने इसमें हनी डाला है जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सारी ही मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आपकी स्किन को बेनिफिट करते हैं। तो ये फेस मास्क आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव फेस मास्क है। हफ्ते में 2 बार करोगे ना आप देखोगे खुद ही रिज़ल्ट 3-4 वीक्स में कि आपकी स्किन ना निखरी हुई लग रही है, क्लीन लग रही है, और थोड़े थोड़े जो आपके फेस पे स्पॉट्स हैं ना वो भी आपको कम लगेंगे। तो फेस मास्क मैं लगा चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ना ये सिंगारदान का जो ड्रॉ होता है ना वो भी मैं क्लीन कर लूँ, तो मैं वो क्लीन करने में लग गई। और ना मेरे पास ये छोटे छोटे ना ऐसे वॉच के बॉक्सेस थे, तो उसको ना मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है ये ड्रॉवर के अंदर। तो एक में ना मैं रबर बैंड रखती हूँ, एक में सेफ्टी पिन रखती हूँ, एक में ना हेयर क्लिप रखती हूँ। तो ये हेयर क्लिप ना सहल ने पूरे मैसी कर दिया था, सब हेयर क्लिप्स ना मिला दिया था, तो मैं उसको ही सेग्रीगेट करके अलग अलग डब्बों में रख रही हूँ। और मुझे ना ऐसा है कि आप बाहर से तो क्लीन दिखता ही है सब, लेकिन मुझे ना अंदर से भी सारी चीज़ें क्लीन और ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज रखूँ अपना घर और सब कुछ। तो फिर ये ना मेरे पास जितने भी वॉचेस के डब्बे थे ना, तो मैंने उसको ऑर्गेनाइज़र के जैसा यूज़ कर लिया। फिर एक में मैंने ना स्पॉन्ज रखा, और एक में ना मैंने मेरे पूरे हेयर क्लिप्स रखे हैं। और ना मेरे पास ना बहुत सारी वॉचेस है, वसीम की, साहल की, मेरी मिला के, तो उसका भी ना डब्बा है, लेकिन वो सारी वॉचेस बंद है, तो मुझे वो बनाना है। आप देख सकते हो ये डब्बा, ये पूरी वॉचेस है जिसमें बंद है, और ये इतनी सी वॉचेस है जो चालू है। तो मैं अपनी वॉचेस को ना ऐसे डब्बे में मैंने स्टोर किया है, मुझे वॉच का डब्बा लेना है, इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। और ये मेरे कुछ मेकअप पैलेट्स है, और मेरा ना मेकअप का मैंने जो बॉक्स है वो आपको ऐसे ही रखते हुए दिखाया, बट मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके फिर रख दिया। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉवर सेट हो गया। तो ये है रिज़ल्ट मेरे बालों का और मेरी स्किन का। हेयर मास्क लगाने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की लग रहे हैं। मैंने ना अभी रिसेंटली बालों में कलरिंग करवाया था, तो कलरिंग से बाल रफ़ हो ही जाते हैं आप कितना भी केयर करो, लेकिन ये मास्क लगाने से ना एकदम स्मूथ लग रहे हैं मेरे बाल, और टूटे भी नहीं मेरे बाल, और मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रही है, काफ़ी क्लीन लग रही है। मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है अभी, और काफ़ी क्लीन लग रही है मेरी स्किन। देख सकते हो आप मेरा टी जोन जो है वो कितना शाइन कर रहा है। तो ये जो मास्क है, फेस मास्क और फेस पैक और ये हेयर मास्क, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इससे प्लीज़ ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद इसके रिजल्ट्स क्या आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे ना ये सारे काम करते करते नहा वहा कर निकल कर अभी ना 3:30 हो चुका है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। बट मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे होम रेमेडीज़ अच्छे लगे हो, मेरे अगर मेरा क्लीनिंग रूटीन पसंद आया है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना मेरे होम रेमेडीज़ के बारे में कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।